हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। जो पेपर हुए हैं प्यारे बच्चों 2022 के सत्र के दौरान, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, उनमें हम लोगों ने सेट एक और सेट दो सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और मैं तब भी बताया था और अब भी बता रहा हूं, अभी केवल आपके सेट एक और सेट दो में खंड अ खंड ब, यही दो खंड कराए जा रहे हैं, अर्थात जो आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न है, उन्हीं सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो आपके चैनल पे चलाया जा रहा है, वो सिलेबस थोड़ा सा समाप्त होने की कगार पे आएगा, तो इन सभी सेटों का जो अधूरे भाग है वो पूर्ण रूप से आपको सॉल्व करके मिलने लगेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप अभी मेरा केवल ये मान सकता है कि आप लोगों का एक एक नंबर वाला जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बीच में तैयार होता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग कौन सी सेट को हल करने वाले, सेट 3 और पेपर कोड है GC। क्या है पेपर कोड, कितना है भैया? GC है, ठीक। अब प्यारे बच्चों आज हम इन्हीं पेपर इसी वाले कोड को जो है इसी वाले कोड वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आपको इस समय दिखाई पड़ रहा होगा, आखिर वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। आप स्क्रीन पे अगर प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, जब तक मैं प्रश्न पढ़ूं तब तक अगर आप लगा सके तो लगाइए, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चों 1 महीने या 1.5 महीने बाद इंटर का एग्जाम देने जाने वाले हैं। क्या कह रहा है? हाँ चलिए, प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखकर आपको क नंबर लिखना है। क नंबर में सबसे पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, उनके मध्य लगने वाला वैद्युतकी बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 होता तो इनके मध्य स्थिर वैद्युतकी बल क्या होगा? अब 4 ऑप्शन आपको दिया है प्यारे बच्चों, आपको तुक्का कभी भी नहीं मारना है, आराम से सोच समझ के सवाल हल करना। क्या करा? दो बिंदु आवेश, मान लेते हैं मेरे बच्चों कि वो दो बिंदु आवेश, एक ये रहे होंगे Q1 और वो दूसरे होंगे Q2, और इनके जो माध्यम है, इनके माध्यम क्या है, इनके बीच K1 रखा गया, K1 कोई परावैद्युतांक है प्यारे बच्चों। अब इनके बीच जो लगने वाला बल है, तो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, जब कोई दो बिंदु आवेश किसी भी माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसी माध्यम से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, इस प्रकार होता है। देखिए F बराबर, अगर मैं कहा इनके बीच का जो स्थैतिक बल है वो F है, तो F बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माध्यम क्या है K1, तो K1 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, फिर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, बीच की दूरी क्या है आर। ये समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक। अब जब जब इसी आवेश के माध्यम में इन्हीं आवेशों के बीच कोई माध्यम दूसरा रख दिए K2, जब इन दोनों आवेशों के माध्यम बीच में K2 माध्यम रख दिया गया, तब क्या होगा, तब लगने वाला बल F' मान लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K1 के बजाय K2 हो जाएगा, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/समीकरण 2 कर दे, तो समीकरण 1/समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या F और समीकरण 2 क्या F' बराबर, ठीक, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1/समीकरण 2, ठीक। अगर आपको नया बल F' चाहिए तो आप समीकरण 2/समीकरण 1 कर दीजिए, तो समीकरण 2/जब 1 करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें देखिए ये कट जाएगा, केवल K2 और K1 बचेगा। अब देखिए गाइस, ये इनसे कैंसिल हो गया, परंतु अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि K2/K1 कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, F' बराबर यहाँ 1/K2 बचा है और यहाँ बचा 1/K1, ये K1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा F' बराबर K1/K2, ये मिलेगा, F का गुणा कर देंगे तो F'
एफ, अब तो उधर चला जाएगा ना, तो एफ डैश बराबर क्या जाएगा, के वन अपान के टू मल्टीप्लाई एफ। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो आपका मैच कर रहा होगा आप लगा लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर इसके ख का, यानी जो ख नंबर है वो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कभी भी तुक्का नहीं मारना है, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। ख नंबर क्या कह रहा है वो आपके स्क्रीन पे इस समय प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए, लाल और बैगनी प्रकाश के लिए, ध्यान से देखिएगा, लाल रंग के लिए जो फोकस दूरी दी गई है वो एफ आर है, और बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी जो है वो एफ वी है। लाल रंग के लिए तरंग फोकस दूरी दिया है, बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी दिया है, तो हम जानते हैं फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य में एक प्यारा सा रिलेशन होता है। जो फोकस दूरी होता है एफ वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुगमानुपाती होता है। आप समझिए जरा सा, मैंने कहा फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, अनुगमानुपाती होता है, अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा रहेगा उसकी फोकस दूरी उतनी अधिक रहेगी। अब आपने पढ़ा है बैजनी, बैजनी हा पिनाला, ये यही है सात रंग के जो वर्णक्रम होते हैं। तो बता दिया जाए प्यारे बच्चों, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो बोलो किसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, रेड की फोकस दूरी ज्यादा होगी और बैगनी की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। क्या मैंने बोला, रेड रंग की जो फोकस दूरी होगी वो ज्यादा होगी और बैंगनी रंग की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब आप पता नहीं यार गटैया में बजनी क्या खरासा हो जाता है। अब आप जो है अपने आंसर में मिला सकते हैं कि देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, आप उसको मिलाइए और फटाक से बताइए क्या आपके उत्तर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी एफ वी, ऑप्शन नंबर थर्ड मिले थे, ऑप्शन नंबर दो ही, हाँ तो ऑप्शन नंबर जो है दो आपका मिल रहा है प्यारे बच्चों। आपके जवाब से जो है आपका जो उत्तर आया है वो ऑप्शन नंबर दो है, यानी रेड की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी बैगनी की तुलना में। इस प्रकार आपके प्रश्न का जवाब है, प्रश्न नंबर ख का जो जवाब है वो क्या है, सेकंड नंबर क्या है, सत्य है। जैसे मैं अगर आपको ये कह देता कि चलो बैगनी और लाल की बात छोड़ो, आप बताओ नीला और हरा में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, नीला का जो तरंग दैर्ध्य है वो हरा से कम होगा, इसलिए नीला की फोकस दूरी कम होगी और हरे की फोकस दूरी अधिक होगी। अब आप कहीं ऐसा कंफ्यूजन मत लाइएगा इन सब प्रश्नों में, तो आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गाइस स्क्रीन पे आपको ग नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। प्यारे बच्चों हमने इसका ये जो चैप्टर है लास्ट, अभी चैप्टर जो छठवां चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वहां पर ये सारी चीजें बताई गई थी। मैक्सवेल का जो वैद्युत चुंबकीय तरंग था वो कुछ इस प्रकार था ना, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा था प्यारे बच्चों कि ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है और ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो पूछा गया कि इनमें कालांतर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो इनमें जो कालांतर होता है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि जिस क्षण विद्युत क्षेत्र अपना अधिकतम वैल्यू देता है उसी क्षण प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम हो जाता है। जिस क्षण विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाती है उस क्षण आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी हम ध्यान देंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से लिख देना चाहता हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं भूलिएगा मत, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र क्या भैया, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व
चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कालांतर, के बीच का जो कालांतर होता है ना वो क्या होता है, कह रहे हो शून्य होता है, के बीच का कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। बोलिए अब आपको जो भी ऑप्शन नंबर दिखाई पड़ रहा होगा वो आप उस पर टिक लगा लीजिएगा। देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि कौन सा कह रहा है। हाँ तो ऑप्शन नंबर एक है गाइस, तो आपको जो है ध नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉन है। तो इनको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों लेमडा नॉट, यानी ये प्रारंभिक मात्रा है, यानी किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराने के लिए। जैसे आपने क्या कहा अभी, मैंने ये प्यारे बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, परंतु हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये कोई धातु हो गया, इस धातु के ऊपर अगर कोई प्रकाश किरणें आपतित होंगी और उसका तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉन होगा, तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। तो क्या कह रहा है, आवश्यक कितना है 2000 तरंग दैर्ध्य, अगर कह रहा है कि 1000 एंगस्ट्रॉन की विकिरण आपतित होने पर, मान लेते हैं अगला क्या है लैम्डा है, उसकी वैल्यू दी गई है 1000 एंगस्ट्रॉन की विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी प्यारे बच्चों, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा मान लेते हैं के मैक्स। आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है के मैक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना। बिल्कुल आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में मिले तो उससे डरना नहीं है। अब आपके पास एक प्यारा सा फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, और चलिए आइए देखते हैं वो फार्मूला आपकी क्या है। वो फार्मूला है के मैक्स इक्वल टू, पर आप के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस क्या होता है फाई, फाई क्या होता है वहां पर कार्यफलन होता है, फाई क्या होता है कार्यफलन, क्या होता है पहले चो कार्यफलन, ई क्या है एनर्जी है ऊर्जा है, और ये क्या है गतिज ऊर्जा है। अब आप ध्यान दीजिए ई मैक्स नहीं होना चाहिए, के मैक्स होना चाहिए। चलिए अब E की वैल्यू होती है एच सी बटे लैम्डा, परंतु यहां लैम्डा नॉट रखेंगे, प्रारंभिक है, फिर माइनस फाइव, फाइव को भी हम मान लेते हैं, फाइव भी बराबर होता है एच सी बटे लैम्डा। ठीक, अब दोनों में कॉमन क्या है, एच सी कॉमन है, तो यहां पर एक बटे लैम्डा नॉट माइनस एक बटे लैम्डा हो जाएगा। आइए एच की वैल्यू रखते हैं 6.62 × 10⁻³⁴, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, 1/λ₀, तो 1/, अब लेमडा नॉट को हम मीटर में बदल दे तो 2000 × 10⁻¹⁰, 1, 2, 3, 3 पावर यहाँ कम हो जाएगा तो 2 × 10⁻¹⁷ मीटर हो जाएगा पहले चो, और इनको बदल दें तो 1000 एंगस्ट्रॉन है, तो 1000 को हम बदल दें तो 10⁻¹⁰, 1, 2, 3, तो इसे हम लिख देंगे 1 × 10⁻¹⁷ मीटर। क्या किसी को दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं होना चाहिए। अब वही चीज रख रहे हैं, देखिए तो यहां पर अगर देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहां रखने आएंगे लैम्डा नॉट के स्थान पे, तो 2 × 10⁻¹⁷ माइनस 1 × 10⁻¹⁰। अब दोनों में 10⁻¹⁰ क्या है कॉमन है, तो 6.62 × 34 में से 8 घटा देंगे, 34 में से क्या कर देंगे 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 26 आ जाएगा, 10⁻¹⁶, और पूरे नीचे कितना बचा है 10⁻¹⁷ आपने कॉमन लिया है, 1/2 माइनस 1/1 आ जाएगा। अब इन्हें हल करेंगे तो 1/2 आएगा, ये कर जाएगा तो 19 बचेगा, तो 6.62 × 3 × 10⁻¹⁹, और यहाँ गुणे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 2 कटा दिए 1.5, अब इनका गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, जब आप इनका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 15 × 6.62 को जी, तो गुणा करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, लगभग लगभग 9.93 आएगा क्या, हाँ इनका गुणा करेंगे तो
तो 9.93 गुने आ जाएगा 10^-19, 10^-19 ये जूल में आया है। परंतु आपका जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6×10^-19 से भाग दे देंगे। तो अब हम जैसे ही इनको क्या करेंगे, बदलेंगे तो यहां भाग देंगे, तो 1.6×10^-19 प्यारे बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो आपको ऊर्जा पूछ रही थी, पूछा जा रहा था के मैक्स की वैल्यू, तो आप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आप देखिए ये आपके कौन से विकल्प से मिल रहा है, लगभग देख पा रहे होंगे तो 6.2 यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड सेकंड है वो आपका क्लियर है। आप भाग देंगे, एक बार मैं भाग दे लेता हूँ, ये तो अनुमानन मैंने बताया था कितना आ सकता है, तो 9.93×1.6 तो 6.2 आ रहा है पहले बच्चों, भाग देने के बाद 6.2 आया, 2-0 करके। तो अब आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। तो आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम अगले प्रश्न को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आपको प्यारे बच्चों स्क्रीन पे अंगा नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, यल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्यारे बच्चों कोई यल लंबाई का क्या है, तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और तार की लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक है। अब क्या कह रहा है कि तार बी बेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पे झुका है, मतलब अब इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इस पे कोई तार है, ये कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, एल है, तार की लंबाई क्या है, एल है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो आई है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। अब क्या कह रहा है कि तार पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जब भी कोई भी तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे जो लगने वाला बल होता है, ये हमने पढ़ाया प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, एफ बराबर IBL sin θ। अब आप देखिए आई भी वही है, बी भी वही है, और एल भी वही है, परंतु केवल एक चीज बदला है, थीटा, यहाँ 30 हो जाएगा। अब IBL sin 30 अंश का मान 1/2, तो ये आ जाएगा IBL/2 क्या आ जाएगा, 2। अब आप प्यारे बच्चों जो आपको इस जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा वो ऑप्शन आप टिक लगा लीजिए कि आपके प्रश्न का जवाब किससे मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वही मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं छ नंबर का, इसके छ नंबर क्या कह रहा है, छ नंबर कह रहा 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में क्या किया गया, जोड़ा गया है, तो संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आप ऐसा समझिए कि 6 वोल्ट का कोई विद्युत वाहक बल है और तो वो 3 सेल है, ऐसे ये एक सेल हो गया पहले बच्चों, ठीक, फिर उसके बाद ये कोई दूसरा सेल हो गया, फिर उसके बाद ये कोई तीसरा सेल हो गया। अब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, नगण्य है, वो आपके प्रश्न में पहले दिया है। अब इन तीनों को आप जब जैसे ही समांतर क्रम में जोड़ेंगे पहले बच्चों, तो सारे का जो प्लस टर्मिनल है वो एक बिंदु से इंटरसेक्ट हो जा रहा है, और सारे का माइनस टर्मिनल एक बिंदु से इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट मिलके तो 21 सेल के बराबर हो गए ना प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका सारा प्लस एक सिरे से जुड़ गया, तो भाई 6 वोल्ट करंट होगा। तो पूरे जो संयोजन का, अब ध्यान दीजिए, चाहो तो आप एक नहीं 1000 जोड़ लीजिए, आप चाहो तो एक नहीं प्यारे बच्चों आप 1000 जोड़ देंगे ना, तो भी जो है पूरे संयोजन का जो
क्या पूछा, पूरे संयोजन का जो विद्युत वाहक बल होगा वो 6 ही वोल्ट होगा। अगर यहाँ 8 कर देंगे तो पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो, पूरे संयोजन का जो विद्युत वाहक बल होगा प्यारे बच्चों वो 6 वोल्ट के ही बराबर होगा। यानी अब कौन सा ऑप्शन नंबर है, आई वी, ऑप्शन नंबर आई वी क्या है, इज ए करेक्ट। आप इसको हल कर सकते हो इस प्रकार। अब हम बात करेंगे खंड ब की। खंड अ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चर्चा करने वाले खंड ब की। आइए खंड ब में सबसे पहली चीज है गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। प्यारे बच्चों गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, तो आपको गतिशीलता जो ये चीज पूछा गया है वो आपको जो गतिशीलता है ना वो आपको आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्यारे बच्चों गतिशीलता की परिभाषा आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से ओपन करके उसकी फुल डिटेल वाली क्लास ले लीजिए, ठीक। और फिलहाल यहां पर आया है तो हम थोड़ा बहुत जरूर चर्चा करेंगे। तो खंड ब में गतिशीलता को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा, गतिशीलता हेडिंग बना देना है। क्या कर देना है, गतिशीलता को हेडिंग बना दीजिएगा। और अब आपको बता दिया जाए गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। और ये होता है बीडी अपान ई। अब बीडी क्या होता, अपवाह वेग होता है। बीडी क्या होता, अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग ना? क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। और ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो हम इनको परिभाषा देना चाहें तो इस फार्मूले से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं प्यारे बच्चों, कि एकांक विद्युत क्षेत्र में अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए तो एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। तो हम कैसे परिभाषा दे रहे हैं, एकांक, क्या एकांक, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। इस प्रकार आपके जो खंड ब का पहला प्रश्न था उसके पूछे गए प्रश्न का क्या है, जवाब है, ठीक। अब अगला है ख नंबर, ये था प्रश्न नंबर क। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, ख नंबर। ख नंबर आपके प्रश्न क्या कह रहे हैं कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। क्या गजब का प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आपका जो प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम लोग वैसे नॉर्मली प्रयोग किया जाता है तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई क्या होती है, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों केंद्रीय उच्छिष्ट चौड़ाई का जो व्यंजक होता है वो होता है 2 लैम्डा अपान ई, ऐसे कुछ करके है 2 लैम्डा अपान ई। और जब हम क्या करते हैं कि इसी को, अब जैसे मैंने क्या कहा कि अगर इसी वाले जो जो आप प्रयोग कर रहे हो उस प्रयोग को हम लोग किसी जल में रख दें तब क्या होगा, तो तब के लिए जो होता है, तब के लिए फार्मूला होता है लैम्डा एम बराबर, लैम्डा एम बराबर क्या होता है, लैम्डा बटे एन, लैम्डा बटे एन ये होता है प्यारे बच्चों। यानी जो क्या कह रहा है कि जो पूछ रहा था ना कि भाई केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई 2 लैम्डा अपान ई होती है। अब जब हम इसी प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग को किसी जल में रख दे, किसी माध्यम में रख दिया जाए, तब के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता तब क्या होता है। तो भैया जब भी किसी भी माध्यम में रखा जाता है, यम का मतलब मीडियम है, हाँ समझिए, किसी भी माध्यम में रखें तो जो लैम्डा होता है वो उसके अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एन अगर बढ़ जाएगा तो लैम्डा यम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर यन यन
घट गया तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ चीज ये जरूर लिखेंगे। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा कि जो लैम्डा एम है वो प्रोपोर्शनल है 1/n के, अर्थात यन बढ़ेगा तो लैम्डा एम घटेगा, एन घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। यानी अगर लिख रहे अर्थात यन घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। अगर इसी का उल्टा कहें, यन बढ़ेगा तो लैम्डा एम घटेगा। अब आप जरा सा समझिए, अब यहां पर क्या निष्कर्ष निकला। अब आप कह रहे हो कि जल में लेके जा रहे हो, तो भाई जल का अपवर्तनांक वायु की तुलना में तो अधिक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब यन बढ़ जाएगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः हम जब जल में प्रयोग करने जाओगे प्यारे बच्चों, तो जल में विवर्तन का प्रयोग करने के बाद, विवर्तन का प्रयोग करने पर लैम्डा एम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या उच्चिष्ट चौड़ाई घट जाएगी। उस उच्चिष्ट चौड़ाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये रहा आपके प्रश्न नंबर ख का जवाब। ठीक, अब प्यारे बच्चों जो ग नंबर है वो प्रश्न ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, समझाइए। तो एक नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं, यानी जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती जिसे आप ई से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कर रही है, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। क्योंकि प्यारे बच्चों जो ये कटान बिंदु होता है जहां ये एक दूसरे को काटती है, वहां पर ये दो दिशाओं को क्या करती है, व्यक्त करती है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि जो ये कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु पर ये दो दिशाओं को क्या करती है, व्यक्त करती है, और दो दिशाओं में जाने वाली रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसलिए प्यारे बच्चों तो ग नंबर का जवाब हम लिखेंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन इसलिए नहीं करती क्योंकि कटान बिंदु पर वो दो दिशाओं को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो आप इसका जवाब ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं घ नंबर का। अब घ नंबर क्या कह रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, √2 एम्पियर है, मतलब IRMS की वैल्यू √2 एम्पियर है, तो धारा का शिखर मान यानी I0 की वैल्यू आपको बताना है प्यारे बच्चों। कितना सरल सवाल, इतना सरल प्यारे बच्चों कि इसकी कोई गणना नहीं कर सकते आप। अब आपने फार्मूला पढ़ा है कि IRMS, मैंने इसका पूरा प्रूफ भी कराया प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है I0/√2। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो I0 = हो जाएगा √2 × IRMS, और IRMS की भी वैल्यू √2 ही है, √2 × √2, इनका इनका गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो धारा का शिखर मान होगा वो 2 एम्पियर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये घ नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, घ नंबर हो गया। अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर जो बचे हुए दो प्रश्न हैं खंड ब के, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा, समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। एक नंबर का है प्यारे बच्चों, तो ज्यादा ज्यादा नहीं, एक ही एक अंतर हम लोग लिख देंगे तो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आपका जो अंगा नंबर प्रश्न था वो समस्थानिक और संभारिक में अंतर पूछ रहा था। तो समस्थानिक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए यही चीज यहां भी लिखा गया, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक 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 जरूरी नहीं है, आप जो परमाणु लोगे उसका परमाणु क्रमांक देखा जाएगा ना, तो जिनके परमाणु क्रमांक सेम टू सेम डिट्टो हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। अब जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, ये देखिए 1H1, 1H2, NH3, इसे हम कहते हैं प्रोटियम,
इसे ड्यूट्रियम, इसे ट्राइट्रियम, ठीक ये लिख देना है आपको। फिर पूछा था संभारी, संभारी क्या होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग तत्व के परमाणु रहते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जैसे हमने आर्गन और कैल्शियम ले लिया, ठीक, आर्गन और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 18 और 20 है, परंतु जो परमाणु भार है वो क्या है, सेम है, इसलिए संभारिक, ठीक। ये रहा आपका अंग नंबर। अब इसी में प्यारे बच्चों आपका जो च नंबर है वो भी कुछ कह रहा है, उसको भी जरा सा सुनते चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आपसे। देखिए च नंबर क्या कह रहा है, भाई प्रश्न भी हटा देते हैं सौरभ सर आपके। च नंबर क्या कह रहा है, कितना बढ़िया सवाल, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से, मतलब जिस मेंस मतलब जो स्विच है 200 वोल्ट है, 60 वाट के 200 बल्ब, 60 वाट के 200 बल्ब, मतलब पी दिया है प्यारे बच्चों, पी कितना है 60 वाट, फिर कितने बल्ब हैं 200, मतलब एन दिया है, आगे समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रतिदिन 24 घंटे व्यय होती है, कितना है 24 घंटे व्यय होती है, तो विद्युत ऊर्जा की गणना करें। प्यारे बच्चों ऐसा सवाल हम लोगों ने हाई स्कूल में खूब जम के लगाया, खूब जम के लगाया है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब ध्यान दो, अब क्या कह रहा है कि भैया व्यय विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला, उसे ध्यान दीजिए, व्यय विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है कितने बल्ब है यन गुणे कितना शक्ति है पी और कितना समय चल रहा है टी और अपान 1000। चलिए यन की वैल्यू 200, पी की वैल्यू 60, टाइम की वैल्यू 24 बटे कितना 1000। अब 1 2 3, 1 2 3 कट गए, तो 6 दूनी 12 और वो 24 गुणा कर दीजिए, तो 12 चौके 48, 4 हासिल, 12 दूनी 24, 4 28, तो 288 जूल ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। इस प्रकार वो च नंबर और अंग नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है पहले बच्चों। और हमने जैसा कि स्टार्ट किया था तो बोले थे कि खंड अ और खंड ब की ही बात करेंगे, बहुविकल्पी और अति लघुत्वी इन्हीं दो टॉपिक का हल करने वाले थे पहले बच्चों। उम्मीद है कि आपको खंड अ और खंड ब में जितने प्रश्न मैंने बताया है कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो आपके जैसे कई सहपाठी, आपके मित्र यार दोस्त, गांव के शहर के कुछ होंगे बच्चे, तो उनको भी आप इस चैनल से जोड़िए, उनको भी बताइए, उनसे भी इस चैनल को रूबरू कराइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, और टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।